हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनप। दोस्तों, आप लोग चाह रहे थे कि मैं सूर्यवंशी के बारे में डिस्कस करूं, जो रिलीज को लेकर जो अभी फिलहाल न्यूज चल रहा है कि सिर्फ सिंगल स्क्रीन्स में रिलीज होगा, नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि जो खबर आया है, जो डिस्कशन हो रहा था बिटवीन मल्टीप्लेक्सेस एंड रोहित शेट्टी एंड रिलायंस, वो पर्टिकुलर डिस्कशन अब तक एक फ्रूटफुल एंड पे नहीं पहुंचा है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस रोहित शेट्टी और रिलायंस ने रखा है, ऐसा खबर है कि मल्टीप्लेक्सेस उसको अग्री अपॉन नहीं किया है, जिसकी वजह से अभी तक एक कॉन्क्रीट डिसीजन पे नहीं पहुंचा। जैसे चेस में हम बोलते ना स्टेलमेट, उस पर अटका हुआ है। तो फिलहाल तो जो न्यूज चल रहा है मार्केट में वो ये है कि सिंगल स्क्रीन्स में रिलीज होगा और साथ में जो मल्टीप्लेक्सेस है उसको बाईपास करेंगे सूर्यवंशी, विच मीन्स ऑब्वियसली यार लॉस तो होगा ही, ऑडियंस काउंट भी कम होगा, क्योंकि सिंगल स्क्रीन्स आखिरकार है कितना, मल्टीप्लेक्सेस तो बहुत सारे, सिंगल स्क्रीन्स उतना है नहीं, कुछ कुछ तो बंद भी हुए हैं, तो ऑब्वियसली उससे जो फुटफॉल से वो तो कम होगा ही होगा। और ऑब्वियसली अगर ऐसा हुआ तो आई एम श्योर सिंगल स्क्रीन्स के साथ साथ जो OTT प्लेटफॉर्म है, जो भी OTT के साथ लोग टाई अप करेंगे रिलीज के लिए, उसमें साइमल्टेनियस रिलीज हो सकता है, विच कुड एंश्योर ऑब्वियसली ग्रेटर फुटफॉल्स, एटलीस्ट डिजिटल व्यूज, डिजिटल फुटफॉल्स। बट देन यार द रीजन व्हाई आई वाज नॉट डिस्कसिंग अबाउट इट इज आई एम श्योर April 2nd का जो टेंटेटिव रिलीज डेट रखा है उसका भी अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, बट अभी तो दिल्ली दूर है, अप्रैल दूर है, बट आई एम श्योर जो भी रिलीज डेट होगा, चाहे वो April 2nd हो या कोई और रिलीज डेट हो, तब तक आई एम श्योर इफ थिएटर में रिलीज होने का बात फाइनलाइज हो जाता है तो सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्सेस दोनों में रिलीज तो होगा ही होगा। आई रियली डोंट सी बहुत कम चांसेस मेरे को लग रहा है कि मल्टीप्लेक्सेस को बाईपास करके सिर्फ सिंगल स्क्रीन्स में रिलीज किया जाएगा सूर्यवंशी, ये मेरे को बहुत कम चांस लग रहा है। अगर ऐसा हुआ, होने को तो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड एंड समटाइम्स ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, दे से रियलिटी स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो अगर ऐसा हुआ, गॉड फॉरबिड, तो फिर यार इट विल नॉट बी अ ग्रेट सिचुएशन, बिकॉज लाइक आई सेड इफ दैट हैपेंस फुटफॉल्स कम होंगे, बट देन अगर ऐसा हुआ तो आई थिंक दे विल गो इन फॉर एन OTT डील ऑल्सो साइमल्टेनियसली। एनीवेज दोस्तों, आपको क्या लगता है विच इज प्रॉब्ली द राइट वे आउट, लिख कर जरूर बताना। फॉर द मोमेंट इट इज टाइम फॉर मी टू से टाटा।